अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आगे वालेकुम आंसर अस्सलाम। क्वेश्चन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो दूसरा आज हमारा सेशन है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि मुझे भी देखना कि कौन कौन है इस वक्त यहाँ पे। अच्छा, तो आज के प्रोग्राम आज का जो प्रोग्राम होगा, हम लोग जो आज बैठे हैं यहाँ पे, उसमें शायद थोड़ी देर बाद हमारी दूसरी प्रोफेसर जो हैं यूनिवर्सिटी की, वो ज्वाइन करें हमें, डॉक्टर श्री। तो डॉक्टर श्री जब आएंगी तो फिर मैं उनको वो भी आपके साथ मिलके काम करेंगी इसके ऊपर। तो आज हमारा जो सेशन होगा, उसका जो सबसे बड़ा काम है आज, वो है जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम करेंगे वो होगी मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर। ठीक है, तो ये उससे पहले हम करेंगे ये कि आपसे कुछ लोगों से हम मालूमात करेंगे कि भाई उनके जो उन्होंने जो प्रॉब्लम्स कर निकाले हैं वो क्या क्या हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी अपने सारे प्रॉब्लम्स बताएं, एक प्रॉब्लम बता दे और फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। तो हमारे पास यूँ समझें कि जो पहला 30 मिनट होंगे वो इस काम के लिए होंगे, और उसके बाद के 20 मिनट जो होंगे वो हम जो मार्केटिंग रिसर्च के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। आप में से आज मुझे ये कौन बताएगा कि पिछले दफा जब हम मिले थे तो हमने जो बातें करी थी उसमें से आपको कौन कौन सी बातें याद हैं? अच्छा, जिसको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, जिसको बात करनी हो वो सबसे पहले अपना हैंड रेस करेगा। हैंड रेस करने के लिए आप जहाँ पे आप अपने जो आपका जूम का बॉटम है, उस बॉटम ऑफ द स्क्रीन के ऊपर जो नीचे है स्क्रीन के ऊपर, आप देखेंगे कि उधर एक रिएक्शन का होगा या रिएक्ट का होगा बटन। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आपको रेज हैंड नजर आएगा। तो जिसको भी बात करनी हो वो अपना रेज हैंड करेगा और फिर उसके बाद बात करेगा। मेरी बात समझ में आ गई सलाम। सबको? अच्छा, और अगर मैं कहता हूँ कि मेरी बात समझ में आ गई तो उसके लिए आप थम्स अप का बटन जो है वो यूज करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम अच्छा, फिर मैं कहूँगा वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा प्लीज, अगर आप लोगों ने नहीं किया। अगेन, मुझे परेशानी होती है काले स्क्रीन को देखते हुए। अच्छा जनाब, तो जनाबे अली, तो कौन बताएगा कि उसका लास्ट टाइम हमने क्या चीज, कौन सी बात आपको पिछले उसकी दफा की याद है? सर, वालेकुम अस्सलाम। अगेन, हाथ उठाना जरूरी है। हाँ भाई, चलो भाई जल्दी से, भाई कोई तो बताए कि कौन सी चीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, इतना देर थोड़ी लगनी चाहिए। प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, हाथ उठाया, हाथ मुझे पता ही नहीं है किसने कहा। हाँ जी, हिफ्सा वसीम साहेबा। प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जनाब अली,
और बताएगा कोई कि और कौन सी बात थी? सबसे था जोर से जोर से भाई। हाँ आयशा आप बताइए। सर, मैं न्यू हूं। अच्छा आप नहीं हैं। अच्छा आप नहीं थी लास्ट टाइम। ठीक है हाँ भाई कोई बताएगा? हाँ इब्राहिम अरहम सॉरी। लास्ट टाइम जो सेशन हुआ था, वी इंट्रोड्यूस्ड आवर सेल्व्स एंड वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। ये भी बात बिल्कुल सही है। हमने एक दूसरे के बारे में मालूमात करी थी और उसके बाद हमने ये किया था कि भाई प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ठीक है और हमने ये मालूमात करी थी कि भाई प्रॉब्लम जो है और प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनकी का पर्पस क्या होता है। हमने ये मालूमात करी थी कि भाई प्रॉब्लम जो हैं वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। और फिर हमने आपको सबको एक काम दिया था करने को। क्या काम दिया था हमने करने को? ये तो बता दो, लाइफ प्रॉब्लम्स। हाँ भाई कोई बताएगा कौन सा? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह तीन तीन इब्राहिम साहब। आपने हमें असाइनमेंट दिया था कि हम एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें जो हमारे एज ग्रुप और हमारे अराउंड के लोग ना सफर कर रहे हो या एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमने आप लोगों को ये कहा था कि भाई जिसने आप लोग सब ढूंढे ऐसे प्रॉब्लम जो या तो आप फेस कर रहे हो यानी कि आपको वो प्रॉब्लम हो या फिर किसी और को जिसको आप जानते हैं उसको प्रॉब्लम हो, जो आपका घर का अफराद भी हो सकता है और वो जो है आपके खानदान का हिस्सा भी हो सकता है, वो आपके मोहल्ले वाले भी हो सकते हैं, वो आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो हमने कहा था कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोग ढूंढेंगे। तो बहुत जबरदस्त बात हो गई। अब ये बताएं मुझे कि अब हम अगर हम ये मालूमात करें कि जनाब कौन जो है आप में से कौन बताएगा पहला कि उसका प्रॉब्लम क्या कौन सा लेकर आया है वो, तो हमें अब हम करेंगे डिस्कस कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं आपके और उनके ऊपर बात करेंगे। जरा जितने भी टीचर्स हैं जरा वो अपने हैंड रेस करेंगे प्लीज। टीचर्स जितने भी हैं और मेंटर्स जितने भी हैं प्लीज अपने अपने हाथ। थैंक यू दानिया इरफाना अनम। तीन टीचर्स हैं और कोई टीचर्स नहीं है? सऊद थैंक यू। और कोई? अच्छा द कैमरा इज ब्रोकन कैन नॉट कनेक्ट। ठीक है तो दूसरे लोग जिनका कैमरा ब्रोकन नहीं है तो वो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। थैंक यू। अच्छा आप लोगों को जो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं या जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आप लोग जरा इसको अच्छी तरह से अपने पास नोट कर लें ताकि इसी प्रॉप को पूरे वीक आपको इनके साथ जब भी इनको वक्त मिले उसके वक्त उनको आपको गाइड करना है कि किस तरह से इसको लेके चलना है आगे। अच्छा हिफ्जा यहाँ पे हमारे साथ उनैस भी हैं। कॉफी लेके बैठो सर। हाँ उनैस भी हैं यहाँ पे और उनैस जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे यूएस के अंदर हैं लेकिन ये आप लोगों के साथ मेरा ख्याल है जब आप लोगों ने वहाँ पे ट्रेनिंग करी होगी यूटेक की तो ये वहाँ पे थे उस वक्त यूटेक का। तो ये भी हैं इस वक्त यहाँ पे। तो थैंक यू उनेस के वो आप मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन करा आपने। अच्छा जनाब अब बताइए कौन आप में से हमें अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा?
तो आप में से कौन सा है बंदा जो कि अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा? वाओ, ये तो बहुत सारे लोग हो गए जनाब। वाओ, चलें जनाब एक एक करके। पहले इब्राहिम समद की आपकी बात। सर हम कोई भी कर सकते हैं ना प्रॉब्लम? हाँ, उसकी कोई वो नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, जी आप सर, बिल्कुल सबसे कर पहले सकते हैं। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, रेस्क्यू एंड हेल्थ। नहीं, फिर से एक एक करके एक प्रॉब्लम बताइए मुझे सिर्फ। अच्छा, नंबर वन एजुकेशन। अब देखें और आप ये बात समझें सब लोग कि इब्राहिम ने बताया कि प्रॉब्लम है एजुकेशन, ठीक है। अब जरा मैं आपसे पूछूं कि क्या एजुकेशन एक प्रॉब्लम है? एजुकेशन तो प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन तो बड़ी अच्छी चीज है। हमारे को तालीम हासिल करना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो तालीम जो है वो कैसे प्रॉब्लम बन गई? तो याद रखिए कि जो प्रॉब्लम होता है ना, वो एक लफ्ज का नहीं होता। सर वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, अब देखिए इब्राहिम ने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई करके क्या करा कि एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि एजुकेशन जो है वो महंगी है बहुत। अच्छा, आप सोचें, हर एक के लिए तो महंगी नहीं है, ठीक है ना। तो सर सबके लिए तो नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपका प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं है। आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया है, बयान नहीं किया है आपने सही तरह से कि प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम जो होता है ना, उसको पूरी तरीके से बताना पड़ता है कि असल प्रॉब्लम है क्या। तो आप सोचे थोड़ा सा, इसको और लिखिए थोड़ा सा और पूरी तरीके से डिफाइन करें, ठीक है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। मिसबा, मिसबा आपका नाम। सर ट्रैफिक कंजेशन, फिर से बोलेगा बेटा? ट्रैफिक कंजेशन। अच्छा जनाब, अब देखें, अभी जो मैंने बात करी थी उसको सामने रखिए आप। अभी जो मैंने बात करी थी ना, उसको सामने रखिए। और मैंने फिर अभी उनको बताया था, क्या क्या बताया था मैंने अभी इब्राहिम को मैंने ये बताया था कि भाई तालीम जो है प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ट्रैफिक कंजेशन आपने कहा, ट्रैफिक कंजेशन कहाँ है, कौन सी जगह पे है? आपके घर के सामने है क्या, आपकी गली में है? तो प्रॉब्लम को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करें, बताएं वो है कहाँ, क्यों है, ठीक है ना। वो बाद में आएगा, आप सिर्फ ये बताइए कि ये एक प्रॉब्लम है। फिर मैंने एक बात और भी कही थी आप लोगों से कि ऐसा प्रॉब्लम देखें जो आपके हाथ के अंदर हो, या वो आपके हुदूद में हो, या फिर वो उसको आप एड्रेस कर सके खुद अपने तौर पे, किसी और को यूज करते हुए नहीं, अपने तौर पे उसको एड्रेस कर सके। सोचिए दोबारा से मिसबा। नेक्स्ट कौन है जनाब? हफ्सा वसीम साहेबा, चले जनाब आप बताइए। सर मेरी प्रॉब्लम है वाटर स्कैसिटी, और वाटर स्कैसिटी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पानी जो है वो हर जगह आता है, लेकिन वो साफ पानी नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। अच्छा, दोबारा जरा सा करीब आ जाओ उसके माइक के। और थोड़ी सबको आवाज आ रही है इनकी भाई? हाँ यस जरा आ सर, रही है। हाँ, तो हिफ्जा मुझे थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, मेरे कान खराब हो गए हैं अब दरअसल, तो जरा सा जोर से बोलो भाई। सर मेरा प्रॉब्लम है वाटर स्कैसिटी। वाटर स्कैसिटी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत से इलाकों में साफ पानी नहीं जा सकता, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। अच्छा, अब तुमने प्रॉब्लम बताया था कि वाटर स्केयर्सिटी, यही बताया था? यस
अब देखो स्केयरसिटी का मतलब होता है कमी, यही बात हुई है ना। स्केयरसिटी जो है उसका मतलब है कि पानी में कमी है, या कम पानी आता है, या हमारे पास पानी 2 दिन में आता है, 2 दिन बाद आ रहा होता है, ठीक है ना। सही है, तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। और पानी का गंदा होना, पानी का गंदा होना वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे पास, यान ये आपने क्या खोल दिया बेटा, तो हमारे पास ये दो बड़े प्रॉब्लम है, पानी का ना होना और पानी का होना लेकिन गंदा होना। मेरा ख्याल है दूसरा वाला जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत अच्छा है। पानी जो आता है कहीं भी आएगा तो जरूरी नहीं वो साफ सुथरा हो, तो इसकी ये एक अच्छा प्रॉब्लम है कि गंदा पानी घरों में आना, ठीक है ना। चले गुड, नेक्स्ट इशाल आप बताइए अपने बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में। सॉरी इशाल कहाँ चली गई, इशाल सर अरे बेटा कहाँ हैं आप, अभी तो मुझे नजर आ रही थी। आप अगेन हाथ रेस करिएगा जरा अपना। इशाल कहाँ गई है? अच्छा बेटा आपने वीडियो बंद कर दी अपनी क्या? हाँ देखे ना आप, मुझे नजर आई हैं आप सब। हाँ साहेब, इशाल साहेब चले बताएं अपने बारे, अपने प्रॉब्लम के बारे में। माय प्रॉब्लम इज दैट कि जो एजुकेशन है, जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट एजुकेटेड प्रॉपरली, या तो वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है, या तो मतलब वो सही से तालीम हासिल नहीं कर सकते। बट जो किड्स हैं वो बहुत केपेबल होते हैं एजुकेशन हासिल करने की, या फिर वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा कुछ बना सकते हैं, बट उनके पास इतना मनी नहीं होता है कि वो किसी अच्छे स्कूल में जाके एजुकेशन हासिल कर सके। बिल्कुल, ये एक प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं इस बात को कि ये एक प्रॉब्लम है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ये बताएं आप कि तालीम जो है, एजुकेशन जो है, ये एक बेसिक राइट है, ये हर इंसान का बेसिक राइट है, जिसको हम कहते हैं कि हकूक है ये आपका। और ये हक जो है बेसिकली अल्लाह ताला ने नहीं दिया, ये हक जो है हमें, हमारे जो हम जो जिस सोसाइटी में या जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, उन तमाम मुमालिक ने मिल के ये फैसला किया कि तालीम जो है वो एक बेसिक राइट है सबका। और जितने भी बेसिक राइट्स होते हैं उन सब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है उस मुल्क की गवर्नमेंट के साथ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कि वो तालीम को सबको दिलवाए। और आप कह रही हैं कि ये बहुत महंगी होती चली जा रही है, लोगों के पास टैलेंट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे पढ़ जा करते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, या तो, या फिर हो सकता है जिस जगह वो रह रहे हो वहां पे स्कूल ही नहीं हो, ये भी तो हो सकता है ना। भाई आप तो सिर्फ उनकी बात कर रही हैं जो शहरों में रह रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं दूर दूर, उनको पास तो कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को आप जैसे छोटी बच्चे जो है ना सॉल्व नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप दूसरा प्रॉब्लम सोचें अपना, ठीक है यूसुफ। यूसुफ खुर्रम आप सर अपना माय प्रॉब्लम, वीडियो ऑन यस कर लेंगे। सर। सर एक्चुअली आई डोंट हैव अ वेबकैम अच्छा चलें बोलें यूसुफ। सर। माय प्रॉब्लम इज अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। ना आप छोड़ी बेटा, मुझे आवाज नहीं आया, आपने क्या कहा?
माय प्रॉब्लम इज अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। अब देखें, ये भी इनकम्प्लीट है बात। इन्होंने कहा कि अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ व्हाट? देन अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज लाइक वर्क जॉब बिजनेस एजुकेशंस। तो अनइक्वालिटी ऑफ जॉब। चलें एक चीज पर, एक यस चीज लें कोई सा भी, तो आप सबको तो सॉल्व नहीं कर सकते सारी अनइक्वालिटीज को, कोई एक चीज बताएं। वर्क जॉब बोले बेटा, जॉब जॉब, ठीक है, अनइक्वालिटी इन जॉब। आप क्या समझते हैं कि आपके पास वो पावर है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे? नो नहीं ना। तो ऐसा प्रॉब्लम देने मना किया था उस वक्त भी कि ऐसे प्रॉब्लम को हाथ ना लगाएं जिसको आप नहीं। मैं इस किताब को छू सकता हूं, ठीक है ना? अगर मैं इस किताब को छू सकता हूं तो इसका मतलब है कि मैं इसको रीशेल्फ कर सकता हूं, एक शेल्फ से निकाल के दूसरे शेल्फ पे लगा सकता हूं। तो ये मेरे बस की बात है, ये मैं कर सकता हूं, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम ऐसा लाइए जो आप कर सकते हैं, जिसको सॉल्व कर सकते हैं आप, वो आपके हुदूद में है, वो आपके अंडर कंट्रोल कर सकते हैं उसको आप किसी तरीके से। मैंने कहा कि मेरा कमरे में लाइट नहीं है, ठीक है, या लाइट नहीं आती है। अब ये मेरा प्रॉब्लम है ना। अब मैं कई चीजें कर सकता हूँ, मैं बैटरी यूज कर सकता हूँ और उससे एक बल्ब जला सकता हूँ, मैं एक सोलर का खरीद के ला सकता हूँ, कई मेरे पास सोल्यूशन, मैं एक मोमबत्ती जला सकता हूँ, सही है ना? मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना अंधेरे को। तो ये बात समझिए, और मैं चाहूंगा टीचर्स भी इस बात को जरा गौर करें कि जब हम प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं, वो दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जो होना चाहिए वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, उसको सही तरीके से आपको बताना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वो कोई भी प्रॉब्लम एक वर्ड का नहीं होता, उसके अंदर एक सेंटेंस होता है, और वो सेंटेंस जो होता है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। तीसरी चीज जो होती है कि प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो, जिसके जिसके तमाम वेरिएबल्स जिसको हम कहते हैं वो आपके कंट्रोल्स में हो, उसके पैरामीटर्स आपके कंट्रोल में हो। और ये वर्ड जो है ना, पैरामीटर्स और वेरिएबल्स, ये आप प्लीज अपने बच्चों को बताइएगा कि ये क्या चीज होती है। अच्छा, जब आप लोग चैट में बातें कर रहे होते हैं ना, तो 90% ऑफ द टाइम मैं इसको देख नहीं रहा होता। उनैस, आप हैं यहाँ पे इस वक्त? हाँ जी सर, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इब्राहिम, आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे बेटा? गर्मी? मैंने हाँ इब्राहिम बेटा। जो मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था वाज लैक ऑफ इको फ्रेंडली पावर सोर्सेस टू प्रिजर्व एंड सस्टेन आवर फ्यूचर। के इस तरह की भी कोई पावर सोर्स हो जो ना सिर्फ इको फ्रेंडली हो टू जनता के एनवायरमेंटली हमारे प्रिजर्व करे अपने प्लैनेट को इन मेनी वेज एज वी नो, एंड उसके अलावा जनरल इनफ वो रिसोर्स या जैसे भी उसके पावर करना हो या जैसे भी उसे यूटिलाइज कर सकें वो हमारे पास सफिशियंट हो फॉर द अपकमिंग फ्यूचर, ताकि हमारे प्लैनेट की जितने भी नीड्स हैं स्पेयर ट्रांसपोर्ट या फिर एनर्जी वो उससे सफिशियंट प्रोवाइड हो जाए, या फिर चलो इसको इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपने जो कहा है इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त दुनिया में जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, सबसे बड़ी एनर्जी रिसोर्स जो है इस वक्त ऑयल है, ठीक है, दूसरे गैस है उसके बाद, ठीक है, नेचुरल गैस और ऑयल दो दो मेजर चीज़ें हैं, मीथेन, ठीक है। इन दोनों को बर्न करके हम एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। उस बर्न करने के बाद जो एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज करते हैं हम किसी और चीज़ बनाने के लिए, ठीक है ना? तो हमने ऑयल बर्न किया, गाड़ी चला ली, ठीक है, गैस बर्न करी, खाना बना लिया, ठीक है,
गैस बंद करी, हमने टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी, या यही चीज हमने कोल में भी करा, यही चीज हमने ऑयल से भी किया। इन सब में खराबी क्या है कि ये सब पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये सब आलूदगी पैदा करते हैं। अब जो आलूदगी होती है वो जितनी बढ़ेगी उतनी ही हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगे, खास तौर पे हमारे जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें एस्थमा भी शामिल है, उसके अंदर सांस की तमाम बीमारियां शामिल हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी रिसोर्स लाई जाए, बनाई जाए, जो कि नंबर वन सेफ हो, यानी कि वो कोई आलूदगी पैदा ना करे, नंबर वन। दूसरा आप कह रहे हैं कि ऐसी चीज हो जिसके रिसोर्सेज वो भी हो हमारे पास और अच्छी बड़ी तादाद में हो, ठीक है ना। तो ऑयल हमें मालूम है, ऑयल एंड गैस महदूद है, हाँ 50 साल नहीं तो 75 साल के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब रह गई बात कुछ कुछ और चीज, तो आप पूछ के बताएं मुझे कि ये क्या आप किस तरीके से इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। आपके पास कोई आइडिया है इसको सॉल्व करने के लिए, यस सर, बताइए। मैं आइडिया वाज के ना, हम एक्चुअली दो तरह से इस टाइप ऑफ एफिशिएंसी को टारगेट कर सकते हैं। एक कि या तो हम जो एक फ्यूल सोर्स है जो उसमें इनपुट कर रहे हैं अपनी मशीन के अंदर, वो एक बेहतर टाइप ऑफ फ्यूल हो जो ये सारे या तो प्रॉब्लम्स को बेहतर कर ले या फिर उसे सॉल्व कर ले इन सम वेज, या फिर एक सेकेंड ये है कि जो आपकी मशीन है उससे इस तरह के प्रोपल्शन पे हो या फिर इस तरह की वर्किंग पे हो जो ऑन इट्स ओन जो है ना लेस इस तरह के जो है ना प्रॉब्लम्स की तरफ हेड करे, कि वो जो है ना इन एनी वे या तो पोल्यूशन कम करे या और एफिशिएंटली वर्क करे या फिर किस तरह के रिसोर्स पे ऑपरेट कर ले जो हमारे पास ज्यादा हो, या फिर जो है ना लाइक इलेक्ट्रिसिटी जिसे अलग से जनरेट कर सकते हो जस्ट जस्ट एज एन एग्जाम्पल कह रहा हूँ, या फिर इस तरह से ना। इसमें बस एक बात, दो बातें याद रखिए। नंबर वन, इसके जो आप करना चाह रहे हैं इसके लिए बहुत अच्छी केमिस्ट्री की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नंबर वन बहुत इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री। दूसरा जो है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो इसमें ये होगी कि आप ये देखेंगे कि इस वक्त मार्केट के अंदर भी और कई रिसर्च हो रही हैं इस एरिया के ऊपर। तो ये इस एरिया को हम कहते हैं कि सैचुरेटेड एरिया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं और बहुत पैसा लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये सोचिए कि क्या आप इतना बड़ा प्रॉब्लम पिक करेंगे या कोई छोटा नीचे वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है कि आपके अब्बू से जब बात हो रही थी तो वो एक प्रॉब्लम था जिसको, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर था, कि नेबरहुड से या मोहल्लों से अगर आपको मेन रोड तक जाना है जहाँ पे आपकी ये ग्रीन लाइंस वगैरह चलती हैं, तो मोहल्ले से ग्रीन लाइन तक पहुँचने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सा सोर्स यूज करेंगे, उस सोर्स के अंदर फिर आप कह सकते हैं कि हम एनर्जी को कौन सी एनर्जी यूज करें, उस एनर्जी के अंदर किस तरीके से वो एनर्जी ऐसी हो जो कि सेहत के लिए भी अच्छी हो, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीप हो, ये ना, ये तमाम चीज। अब देखें, एक प्रॉब्लम है जो कि हमें फेस कर रहे हैं और इसका इमीडिएट सोल्यूशन निकल सकता है, अगर हम सोचे ना तो बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस मिल सकते हैं हमें। हम जब छोटे थे तो उस जमाने में बड़ी बड़ी बसें चलती थी हर मोहल्ले से, वो मोहल्लों में से होती भी गुजरती थी, तो जो मोहल्ले की गलियां होती थी वो उनके उनके साम उधर से गुजरती थी, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। मुश्किल से आप 100 गज चलेंगे और उसके बाद आपको एक बस स्टॉप मिल जाता था यरमुकुल्ला। तो जब आपको एक बस स्टॉप मिल जाया करता था तो बस आपका काम हो गया वहां से। अब ऐसा नहीं होता, अब आपको मेन रोड तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये चिंची और वगैरह टाइप की चीजें हैं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे बताते हैं लोग कि ये चीजें हैं वहां पे। तो ये सोचे कि ये सोल्यूशन नहीं है जो आपने निकाला है, ये सोल्यूशन को बिगाड़ा है आपने। और
पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट करी है आपने। वो बड़ी बस जो थी, वो एक बस जो थी 150 लोगों को लेके जाती थी। चिंची में कितने लोग बैठ जाते होंगे, 6 7 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचे जरा कि कोई ऐसा प्रॉब्लम दूसरा लेकर आए कि जो चूके बेहतर हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अनम और माहम, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। गो अहेड गो अहेड। सर, आज वैसे इस जनरेशन में और मैं जो खुद सबसे ज्यादा फेस कर रही हूँ वो टैग डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया सबका, और ये वाली सबसे बड़ी है क्योंकि जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो ऑफकोर्स सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है। टाइम अच्छा कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा ये। ये प्रॉब्लम अच्छा है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ये भी समझे आप। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं सोशल मीडिया के, वो नंबर वन उनमें वो मेंटल इश्यू है, जहनी बीमारियां हो रही हैं इससे। और आपको पता नहीं चलता जहनी बीमारियां जब होती हैं, इसलिए कि कोई फिजिकल उसमें आपको वो नजर नहीं आ रहा होता, जख्म वगैरह कि आप कहें वो ये जख्म है, मुझे इसको फौरन कुछ ना कुछ करना है, ऐसी चीज नहीं होती है इसके अंदर। ये दिमाग के अंदर होती है और दिमाग के अंदर चलती है। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, और ये ऐसा है कि आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, देर आर वेरियस वेज ऑफ एड्रेसिंग दिस। तो ठीक है, ये इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट। अबरी अबीर अरूज, सर, माय प्रॉब्लम इज दैट देर आर वेरी लेस रिसोर्सेस नाउ डेज। कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को फ्री बुक्स चाहिए या कुछ भी ऐसी कोई फ्री चीज चाहिए जिसको लाइक वो अफोर्ड नहीं कर सकते, देर नॉट मेनी सप्लायर्स और देर नॉट मेनी रिसोर्सेस कि वो उधर से ले सके कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल बुक्स अगर हम बात करें तो आइदर देर वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इधर लाइब्रेरीज लाइक बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा दैट्स नाइस। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। और ये मैं बताऊं आपको, इस तरह के प्रॉब्लम्स को ये आपने तो सिर्फ इसको बुक्स तक रखा है ना, हमारे पास ऐसे भी इश्यूज हैं जो कि इसको प्रॉब्लम से आगे लेके चले गए, और उन्होंने क्या करा है, उसको इस प्रॉब्लम को बढ़ाया। किताबों के बजाय आपने कहा कपड़े नहीं है, पुराने कपड़े हैं, घर में कितने पुराने कपड़े होते हैं, ठीक है। आपने कहा यार खाना बच गया, ठीक है। आपने कहा कि यार ये जो पता नहीं, हम पुराने जमाने में मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ इसलिए कि मैं वही इतना ही पुराना आदमी हूँ। वो हमारी अम्मा जो थी वो खाना जो है वो भेजा करती थी हर रोज मस्जिद में इमाम साहब के लिए। आजकल सुना है इमाम साहब बहुत अमीर हो गए तो उनको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे जमाने में जा वो मोहल्ले से जाया करता था उनके लिए खाना, उनके पूरे घर वालों के लिए। तो वो अम्मा, हमें याद है कि वो मगरिब के वक्त भेजा करती थी कि नमाज भी पढ़ने जाओ और वो भी करने चले जाओ। अच्छा इब्राहिम ने कहा है कि 10 मिनट का वक्फा दे देते हैं। 10 मिनट का वक्फा, मैं 5 मिनट का वक्फा दे देता हूँ, तीन तीन रकत पढ़नी है सिर्फ, जल्दी से पढ़ के आ जाओ सब, इसलिए कि मेरे मुझे 7 बजे दूसरी मीटिंग में जाना है तो मैं रुक नहीं सकता, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से आइए, नमाज पढ़ के हम वेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अबीर अबीर, नाम बताओ अपना पूरा। अबीर अबीर बेटा, आप ये प्रॉब्लम कंटिन्यू करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मेजोरिटी प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि आइदर जो भी बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा आइदर ये एक्सपेंसिव है, जो भी चीजें अगर किसी को चाहिए फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स हैं वो आइदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है या लाइक वो लो प्राइस से बहुत ज्यादा मिलती नहीं है। एंड देर बहुत ज्यादा सप्लायर्स इसको बहुत ज्यादा लो प्राइस पे सप्लाई नहीं कर सकते, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को और लोगों को दिक्कत होती है। ये कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल दिक्कत सकती हैं आप। थैंक यू। चले हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद हम आएंगे तो हम एक और
प्रॉब्लम सुनेंगे और उसके बाद हम आज का लेक्चर लेंगे 15 मिनट का, और उसके बाद हम खत्म करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक तक, ठीक है? चलिए, सर मैं अपना प्रॉब्लम बता दूं? सर हमें मैं आ रहा हूँ भाई, नमाज पढ़ दो, नमाज पढ़ लो पहले, नमाज मास कब नमाज और नमाज चले नमाज, गए 5 मिनट पूरे, 30। जल्दी से नमाज पढ़ो जल्दी ना रखो जाओ नमाज पढ़ो जाओ नहीं जल्दी नमाज नहीं पढ़ ओहो अच्छा नमाज पढ़ो नमाज पढ़े
दैट्स सर प्रॉब्लम सर रिदा कह रही है कैन आई टेल द प्रॉब्लम। रिदा हैंड रेस किया है आपने, क्या हुआ? तो है रिदा ने टाइम रिदा ने कर रखा है, लेकिन रिदा हमारे पास अभी टाइम कम है तो हम आपका चले सुन लेते हैं, जल्दी से बताइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ है? वालेकुम। जी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने आजकल नोटिस किया है, जो सोशल मीडिया पे सबने सुना ही होगा चल रहा है, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आर्ट्स से रिलेटेड, यानी मतलब जो पेंटिंग स्केचिंग करते हैं उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। रिसेंटली अभी एक प्रॉब्लम आई थी जिसमें एक ड्रामा है, पाकिस्तानी ड्रामा है, कभी मैं कभी तुम। उसमें एक बंदा सैफी सुमरो नाम था उसका, उसकी ड्राइंग यानी उसकी जो पेंटिंग थी वो मतलब स्टोलेन हुई थी, और उसको जो है उन्होंने अपनी ड्रामे के अंदर लगाया था, और उनकी जो ड्राइंग थी वो बहुत पहले से यानी मतलब छिन चुकी थी, यानी किसी ने ले ली थी, और उसके बाद उनकी जो ड्राइंग है वो कहीं और ला के और उसे ज्यादा रेट में सेल किया। यानी इसकी वजह से ये हुआ कि उनको उनकी पेंटिंग में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और अगले बंदे ने उनकी उसको डबल उसमें सेल कर दिया। और हमारे यहाँ यहाँ पे आर्ट्स वाले जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। स्कूल्स में देखें तो ह्यूमैनिटीज में यानी जो आर्ट्स में होते हैं उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ ये है, तो ये बात सच है। और दो बातें होती हैं इसके अंदर, जो जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, इस दुनिया के अंदर कुछ रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज जो है वो हमें सिविलाइज्ड करती है, हमें वो तरीके बताती है कि किस तरीके से दुनिया में रहना है, ठीक है ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको चीज़ सिखाई थी वो क्या थी? करेक्टर बिल्डिंग। आप अच्छे किरदार के मालिक कैसे बनेंगे, ये ह्यूमैनिटी सिखाती है। इसीलिए वर्ड जो है ना ह्यूमन से निकला है,
तो आपकी बात सही है कि ये एक कॉमन थीम है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर ह्यूमैनिटीज को इतना ज़्यादा फोकियत नहीं दी जाती या अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन अगर आप देखें तो उससे आपको चीज़ों की बुराइयां नज़र आती हैं। लोग कभी भी आपको सिग्नल पे रुके हुए नज़र नहीं आएंगे रेड के ऊपर, ठीक है ना, सीधे नहीं चल रहे होंगे, लाइन नहीं बना रहे होंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ह्यूमैनिटीज सिखाती है हमें। सोशल साइंसेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दूसरी चीज़ आपने बात करी, वो बात करी है आपने कि भाई पेंटिंग है या इस तरह के जराए जो मीडिया के जराए हैं यकीनी तौर पे इसमें। लेकिन एक अच्छी बात जो हुई है पिछले 15-20 साल के अंदर वो हुई है कि आपके पास एक बहुत बड़ा एक मीडिया आया है जिसके अंदर एटलीस्ट आपके पास पोर्ट्रेट करने के लिए एक जगह मिली है। जो आप बता रही हैं कहानी जिस जिसकी आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ये है कि किसी को ये प्रूफ करना कि ये पेंटिंग मेरी है, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये जो आपने मुझे बताई है बात, इससे मैं आपको एक बात बताऊं, इवन जो आप लोग अभी ये प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, इसको हम डॉक्यूमेंट करना शुरू करेंगे, इसको हम लिखना शुरू करेंगे। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से हम आपको लिखना शुरू करवाएंगे इसका। क्यों करवाएंगे? कि आपने एक प्रॉब्लम डिफाइन किया आज, और कल आज आपने प्रॉब्लम डिफाइन किया, ठीक है, और कल किसी और उसका सोल्यूशन भी निकाल दिया आपने, उसका एक बहुत अच्छा सी चीज बना के निकाल आपके दिमाग में थी, आपने निकाल दी। लेकिन आप उसको मार्केट में लेके नहीं गए, आप उसको लोगों के सामने लेके नहीं गए। कल आपने देखा, 2 साल बाद देखा आपने कि वही चीज जो आपने सोची थी और आपने बनाई थी, वही चीज मार्केट में बिक रही है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्ट होता है हमारा, उसकी उसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी एक वैल्यू रखता है, वो भी उसकी भी एक कीमत होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है आपकी, वो ले गया कोई और ये लेके नहीं आ सकता कोई। तो उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि ये मेरी चीज थी। तो जो हम डॉक्यूमेंट करवाते हैं ना आपसे, जो हम लिखवाएंगे आपसे, वो यही लिखवाएंगे कि आपने कौन से दिन, किस सन में, किस तारीख के अंदर आपने ये आइडिया लेकर आए थे, वो लिखेंगे आप किसी किताब के एक किताबचे के अंदर, और वो फिर आपके डॉक्यूमेंट बन जाएगा प्रूफ करने के लिए कि ये चीज आपकी थी और किसी ने गलत यूज किया। ठीक है, आप बनाएंगे, आपकी टीचर साइन करेंगी उस पे, मैं साइन करूंगा उसके ऊपर, तो हमारे पास अब विटनेस हो गए, हमारे पास गवाह आ गए इसके ऊपर। जो आपने सिनेरियो बताया है मुझे, आपने जो कहानी बताई है, अब उस बंदे के पास क्या प्रूफ है कि ये उसकी चीज है? उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो ये चीज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपका, वो कहीं और निकल गया बात, लेकिन वो जो प्रॉब्लम आप बता रही है ना कि उसको सॉल्व करना, वो मेंटेलिटी बदलने की बात है, और वो हमारे और आपके का के स्कोप से बाहर है। हम किसी की मेंटेलिटी नहीं बदल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आज कल से पाकिस्तान के अंदर लोग जो है ना आर्टिस्टों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। देखिए, अभी अभी इतना अप्रिशिएशन हो गई है कि जो ड्रामे के लोग आते हैं उनको बड़ा अच्छा तरह से देखा जाता है, जो रोजाना आके तकरीरें कर रहे होते हैं और गप्पे लगा रहे होते हैं टीवी पे, उसको बहुत बड़ा अदाकार समझा जाता है। कम से कम ये बात तो हो गई। लेकिन ये बता दूं, आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी बात करेंगे, अपने अम्मी अब्बू से पूछिएगा, तो उस जमाने में बड़े बड़े नामवर मुसव्विर हुआ करते थे, जिनकी बाकायदा तस्वीरों की नुमाइशें हुआ करती थी, उनको लोग, आम लोग जानते थे। अब पता नहीं मुझे के बारे, मैंने तो बहुत सालों से नहीं सुना कोई अच्छा आर्टिस्ट का नाम पाकिस्तान में जो मुसव्विर हो अच्छा, लेकिन ये होता था। चलें, कमिंग बैक, हमारे पास 10 मिनट रह गए सिर्फ। नेक्स्ट आपको करना क्या है?
नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ये मालूम करना है कि जो आपके पांच प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स के बारे में आप मार्केट रिसर्च करेंगे। टीचर्स जरा इस बात पे नोट कर लें कि आप लोगों को करना क्या क्या है अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो पहला काम तो ये होगा कि सब लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिस्ट करेंगे हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके ऊपर। हर आदमी पांचों के पांचों प्रॉब्लम एक साथ लिखेगा, ठीक है? और प्रॉब्लम सर जैसे मैंने क्या आपको बताया है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम पूरे डिटेल में होना चाहिए। यस, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और हम इसको अवेलेबल कर देंगे 2 घंटे 4-5 घंटे के बाद। तो जो प्रॉब्लम है ना वो पूरा एक कपल ऑफ सेंटेंस दे, 4 या 5 या 2 या 3 सेंटेंस होने चाहिए पूरे आपके पास। आप एक लाइन में नहीं बता सकते या एक वर्ड में नहीं बता सकते। तो वो प्रॉब्लम को पूरी अच्छी तरह से डिफाइन करें, अपने टीचर्स के साथ मिलके उसको रिफाइन करें उसको, फिर आप उसको व्हाट्सएप पे डालेंगे। नंबर वन काम। उसके बाद जो दूसरा काम है वो मैं आपको दिखाता हूं, वो है मार्केट रिसर्च का, ठीक है? मार्केट रिसर्च के अंदर आप लोग सर्वे करेंगे, आप लोग दूसरों से मालूम करने की कोशिश करेंगे कि जो मसला आपने बयान किया है क्या वो दूसरे लोग भी फेस करते हैं। तो आपको कम से कम हर प्रॉब्लम के लिए कम से कम 20 लोगों से बात करनी है। आप अपने स्कूल के अंदर बच्चों से बात कर सकते हैं, टीचरों से बात कर सकते हैं, अम्मी अब्बू से बात कर सकते हैं, मोहल्ले वालों से बात कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपका काम ये होगा कि आप अपने मसले के बारे में लोगों से पूछें कि वो क्या करते हैं। तो इसमें देखें 3 या 4 क्वेश्चंस हैं टोटल। पहला क्या है कि पहला है कि आप अपना मसला बयान करेंगे यहाँ पे, ठीक है? इधर लिख देंगे आप उसको, फिर आप जाएंगे लोगों के पास और उनसे पूछेंगे कि उनको बताएंगे कि आप एक जो है क्लास के अंदर हैं और उस क्लास के अंदर आपको एक सर्वे करने के लिए कहा गया है और वो सर्वे जो है वो इस मसले के बारे में है। आपसे हम 3 सवाल करेंगे 4 सवाल करेंगे। तो अगर वो आपको इजाजत दे दें तो फिर आप उनसे अपना मसला बताएंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि वो कौन है, क्या वो टीचर हैं या पेरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं। उसके बाद दूसरा सवाल आप उनसे पूछेंगे, क्या आप किसी को जानते हैं कि जिसको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा हो। फिर वो तीसरा सवाल होगा कि आपकी ने कभी इस तरह के प्रॉब्लम को फेस किया है या नहीं, इसका भी जवाब हाँ और ना में होगा। और आखिरी हो गया, आखिरी क्या, क्या आपको लगता है कि बंदर वाला मसला बड़ा है, यानी कि जो प्रॉब्लम आपने लिखा है ये बहुत बड़ा है, इसके 3 सवाल जवाब हो सकते हैं, हाँ, ना और मालूम नहीं, मे बी, शायद, ठीक है ना? तो अब आपको 20 लोगों का ये निकालना है। तो आप इसी में आपको टैली करना आता है? आता है टैली करना? टैली किसे कहते हैं? यस सर हाँ, तो टैली करेंगे। तो आपने फर्ज करने पहले आदमी से बात करा, वो टीचर था, तो आपने वहां पे टीचर की जगह यहाँ पे एक आपने टैली कर दिया। फिर आपने कहा, उसने कहा कि आप किसी को जानते हैं, उसने कहा यस, आपने उसके बाद इसके बाद भी एक टैली बना दी, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। तीसरे सवाल में उसने नो कह दिया तो आपने नो के आगे टैली कर दिया, और उसके बाद आखिरी वाले सवाल के उसने मे बी कहा तो आपने मे बी के आगे टैली कर दिया। दूसरे को करा आपने तो वो भी उसी पेज के ऊपर आपने, उस दूसरा जो था वो स्टूडेंट था तो आपने स्टूडेंट के आगे टैली कर दिया। इस बंदे ने भी कहा कि हाँ, तो आपने हाँ के अंदर अब 2 टैलीज हो गए। इस तरह से आप एक ही के ऊपर सारे के सारे रिजल्ट्स ले लेंगे, ठीक है? तो ये है आपका काम, ये जो आपको नेक्स्ट वीक करके लाना है। कोई ओके सवाल सर इसके बारे में? नो सर तो आपके दो दो हो गए हैं आपके, ये मैं अभी व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ आप लोगों को। तो दो से वो हैं, आप अपने पांचों प्रॉब्लम्स को पहले अच्छी तरह से लिखेंगे, अपने टीचरों से अप्रूव कराएंगे, उसके बाद वो तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं आप पोस्ट कर देंगे वेबसाइट उसके ऊपर व्हाट्सएप पे।
आप कर दें या आपके टीचर कर दें। दूसरा जो होगा काम वो होगा सर्वे का, किसी दिन भी आप स्कूल जा रहे हो आप उस दिन कर लें, स्कूल के अंदर करेंगे जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये जब करके आप रखेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है जनाब। चले सही है जनाब, मुझे जी दूसरी क्लास उसमें जाना है मीटिंग में, तो मैं तो उसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। चले नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। टीचर्स से प्लीज अगर आपको कोई सवाल हो तो आप डायरेक्ट मुझसे या फिर उनैस से या फिर हिफ्जा से आप व्हाट्सएप पे मालूमात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज सर।